बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग सोडा के देसी तिब्बी फ़ायदे। बेकिंग सोडा के घरेलू इस्तेमाल जिनसे हम अभी तक नावाकफ़ हैं। जिस्म की बू का खात्मा। बेकिंग सोडा चाय के चम्मच का आठवां हिस्सा, पानी एक चम्मच, असेंशियल ऑयल चंद कतरे। इन सब अशिया को किसी बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें रुई भिगोकर बू वाली जगह पर लगाएं। ये अमल रोज़ाना दोहराएं, इंशाल्लाह बू ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद दांतों के लिए बेकिंग सोडा दांतों को चमकाने के लिए इंतहाई शानदार है। टूथब्रश करते वक्त ज़रा सा बेकिंग सोडा टूथपेस्ट पर लगाएं, या 4 खाने चम्मच हल्दी, 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 3 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन सब को मिक्स करके दांत साफ करें। बालों की खुश्की के लिए अपने बालों को ज़रा सा नम करके 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा बालों की जड़ों तक लगाएं और उसके बाद 1 मिनट बाद पानी से धो लें। याद रहे, हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा बार इस्तेमाल करने की सूरत में नुकसान हो सकता है। नाखून की फंगस के लिए बेकिंग सोडा 2 चम्मच, सेब का सिरका 1 कप। सेब के सिरके में बेकिंग सोडा मिलाकर नाखनों को 5 मिनट के लिए डुबो दें। उसके बाद तौलिए से खुश कर लें। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चेहरे के दानों के लिए 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा लेकर पानी में मिला लें और पेस्ट बना लें। अब ये पेस्ट दानों पर लगाकर 2 मिनट के लिए लगा छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। इस पेस्ट को दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। चेहरे के रंग के लिए बेकिंग सोडा 2 खाने के चम्मच, अरके गुलाब थोड़ा सा। इन सब को मिलाकर पेस्ट बना लें। अब चेहरे पर उंगलियों की मदद से लगाकर हल्का सा मसाज करें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 मरतबा दोहराएं, इंशाल्लाह रंग निखर आएगा। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।